हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे रस शास्त्र के जो फर्स्ट पेपर होता है उसके पार्ट बी में एक क्वेश्चन आता है जिसको बोलते हैं पंचामृत पर्पटी। ठीक है, तो पंचामृत पर्पटी के बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पंचामृत पर्पटी से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और इसमें किस प्रकार से पूछा जाता है, तो ये पहला यही पूछा जाता है कि पंचामृत पर्पटी के द्रव्य घटक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद से इन द्रव्य घटक की मात्रता कितनी ली जाती है, इसका निर्माण विधि निर्माण कैसे किया जाता है, उसके बाद से अनुपान यानी कि इसका सेवन किसके साथ करते हैं, और लास्ट में होता है इसका उपयोग यानी कि कौन सी व्याधि में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं पंचामृत पर्पटी में इसके द्रव्य घटक कौन कौन से होते हैं। देखिए, पंचामृत का मतलब हो गया पांच ऐसे द्रव्य घटक जो अमृत के समान होते हैं। इनको जब पर्पटी बना लेते हैं तो ये अमृत के समान यानी कि व्याधि को दूर करने वाले होते हैं, इसलिए इनको पंचामृत पर्पटी बोला गया है। ठीक है, यानी कि अमृत के समान। तो सबसे पहले प्रकार की बात करें तो प्रकार में यह एक पर्पटी है। उसके बाद से द्रव्य घटक की बात करें तो इसमें लेते हैं शुद्ध गंधक, शुद्ध पारद, उसके बाद से लौह भस्म लेते हैं, अभ्रक भस्म लेते हैं और ताम्र भस्म, यानी कि ये पांच जो है द्रव्य लिए जाते हैं और इनकी सहायता से हम पंचामृत पर्पटी बनाते हैं। किसका कितना मात्रा लिया जाता है, तो शुद्ध गंधक जो लिया जाता है 96 ग्राम लिया जाता है, शुद्ध पारद जो है 48 ग्राम लिया जाता है, लौह भस्म जो होता है 24 ग्राम लिया जाता है, अभ्रक भस्म जो होता है 12 ग्राम लिया जाता है, ताम्र भस्म 6 ग्राम। तो ये आपका हो गया द्रव्य घटक की मात्रा। अब निर्माण विधि की बात करते हैं। तो निर्माण कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले क्या लेते हैं, शुद्ध गंधक लेते हैं और शुद्ध पारक लेते हैं। शुद्ध गंधक और शुद्ध पारद इनकी सहायता से इन दोनों को मिलाकर के कजली बनाते हैं, और कजली बनाने के बाद से इसमें तीनों भस्म यानी कि लौह भस्म, अभ्रक भस्म और ताम्र भस्म, इन तीनों भस्म को मिला देते हैं, और मिलाने के बाद से इनको मिला करके बेर की अग्नि पर जो निर्माण होता है पर्पटी बनाने का, तो पर्पटी बनाते हैं। यानी कि जो पर्पटी निर्माण की विधि होती है, तो विधि के अनुसार बेर की अग्नि पर पर्पटी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, शुद्ध पारद शुद्ध गंधक लेंगे, उसमें तीनों प्रकार के भस्मों को मिला करके पर्पटी बना लेंगे। अब इसकी मात्रा की बात करें कि किसका कितना मात्रा होना चाहिए, तो मात्रा में 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम इसकी मात्रा होती है नॉर्मली, लेकिन इसका कई किताबों में दिया हुआ है कि इसकी मात्रता आप 750 मिलीग्राम तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल रेंज है उससे आप इतना बढ़ा के ले सकते हैं। अनुपान की बात करें कि इसका सेवन किसके साथ करते हैं तब ज़्यादा ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा व्याधि को दूर कर पाएगा। ठीक है, तो इसका अनुपान जो होता है शहद के साथ लेते हैं, घृत के साथ लेते हैं, या फिर भ्रष्ट जीरक चूर्ण यानी कि भुना हुआ जीरा का जो चूर्ण होता है पाउडर बना लेते हैं, तो उसके साथ लेते हैं। इसका उपयोग की बात करें, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो उपयोग जो होता है ग्रहणी रोग में होता है, अर्स रोग में, छर्दी, अतिसार, ज्वर, अरुचि, क्षय, रक्त पित्त नेत्र रोग तथा शुक्रक्षय, तो इन मुख्य व्याधि, इसके अलावा और भी जगह होता है लेकिन ये मेन व्याधियाँ जिसमें इसका मेन उपयोग होता है। अब इस चीज़ को याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, उस ट्रिक को मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। पंचामृत पर्पटी, तो इसको आप याद रख सकते हैं पीजी लता या फिर लता पीजी। मान लीजिए कोई लता नाम की लड़की है और वो क्या कर रही है, पीजी कर रही है। ठीक है, तो पीजी का मतलब हो गया पारद और गंधक, यानी कि शुद्ध पारद लेंगे और शुद्ध गंधक लेंगे, और उसमें क्या मिलाएंगे, लता। लता का मतलब हो गया, एल का मतलब हो गया लौह भस्म, टी का मतलब हो गया ताम्र भस्म, और ए का मतलब हो गया अभ्रक भस्म, यानी कि इन तीनों का भस्म मिलाएंगे तो आपको पता चल गया पीजी लता। तो इसकी सहायता से आप इस चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी इसका जो पीडीएफ आपको है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, तो वहाँ से लिंक को कॉपी करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के बीएमएस से रिलेटेड पीजी के लिए या फिर आप जो भी जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बीएमएस से रिलेटेड सभी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलते हैं और सभी प्रकार के नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जाइए मेरे चैनल से।